असलमकम पाकिस्तान का जो वजूद हुआ कायम हुआ था वो दो कौमी नज़रिए पे यानी इससे मुराद ये थी कि हम अगर एक मुस्लिम रियास के अंदर आ जाते हैं तो हम अपने जो भी अल्लाह के अकामात हैं अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजार सकें यानी शरीयत के मुताबिक क्योंकि वहाँ जो स्टेट थी जब पहले मुश्तरका तो उसमें हिंदुज़म भी शामिल था भारत पाकिस्तान बना इस बुनियाद पे था अक्सर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या लाही ला, ला अब ये इसके बाद अचानक कुछ चीज़ें हमें हमारे सामने से इस तरह की गुजरी हैं जिसको देख के बड़ा अफ़सोस होता है ख़िलाफ़ कुरान जो भी अहकाम नाजिल होते हैं वह हमारे लिए बड़े शर्म के बायस होते हैं अभी हाल ही में जो एक फ़ैसला सुनाया गया अदालत से निकाह के बारे में कि निकाह मंसूख किया और सज़ा सुनाई गई और वजह क्या थी कि जी ये इद्दत से पहले निकाह हो गया मुफ्ती सईद साहब जी थे जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था और अदालत में उनका जो भी बयान था ठीक है उसको सुनने के बाद जज ने जो फ़ैसला दिया कि उनको सात साल की सज़ा सुनाई इस बुनियाद पे तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम सूरत अल्लाह का मताल कर लें पहले मैं आपको वो आयत सुना देता हूँ कि इस बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है उसके बाद हम आगे मजीद बात करेंगे तो सूरत अल्लाह की पहली आयत या आयुनबी इज़ात लक़्तमनसा नबी अब ये अल्लाह ताला बजर नबी लोगों को अहकाम दे रहा है इज़ात लकत उमनसा जब तुम औरतों को तलाक़ दिया करो यायनबी इज़ातनस फ़तलना लियात इन्ना अल्लाह तहरा है फ़तलन्ना उनकी वह इ्द्दत इ्द्दत के लिए उनकी वह तलाक़ क्या है व ही लद्दत हन्ना ही ना का मतलब इ्दत के लिए हों यानी तलाक के अंदर इ्द्द्दत होनी चाहिए ला तख्रज हन्ना मिम बुत हन्ना यहाँ अल्लाह कह रहा है उनको घरों से ना निकालो मुम्बयूत हिन्ना जिस घर में उतवासत रहती हैं वरा यजना ना वो ख़ुद निकलेंती नाशत मुबैया ना माँ सिवास के वो खुली गुमराहि की मरत यानी जानिया हो या कोई फ़ाहश हरकतें करती हो तो ऐसा तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मुसलमानों में ऐसा नहीं है कि जो कोई औरत जना करे और उसका शौहर उसको अपने साथ रखे तिल का हद्ला पहले कहा जा रहा है ला तजना मीम बोतिना वोलाय खजना ना उनको निकाला जाए ना वो खुद निकले इल्ला याति ना बिफाइश है तम मुबैय ना आगे ये अल्ला कह रहा तिल का हदूदल्ला की हदें हैं यानी अल्लाह ने कुछ हदें मुकर कर दी हैं हम पर तिल का हदूुल्ल ममईदुल्ल फ़क़त ज़लम नफ्सा और जो अल्लाह के हदों को तोड़े उसने अपने नस से म किया यानी उसने शैतान की पैरवी की अब ये तो हो गई कुरान की वायद इसके तनाजुर में अगर हम बात करते हैं तो अगर ख़बर मलिका साहब ने जो तलाक़ दी थी उस टाइम तो उनके जो भी कमेंट्स आए थे जो भी उन्होंने कहा था कि एक पागदन औरत है और उसके बाद फिर जो भी हुआ सियासी तौर पर उसके बाद जब अदालत में जा उन्होंने ये बयान दिया कि ये इ्जत से पहले हुआ निका यानी उन्होंने कहा कि ये इ्दत इद्दत के अंदर ये निका हुआ है और मैंने तो तलाक दे दी यानी मेरी तलाक अभी जो है ना वो वाकई नहीं हुई उनके ऊपर तो सबसे पहला सवाल ये होता है कुरान की आयत में जो अल्लाह ताला कह रहा है कि इद्दत शोहर के साथ गुजारे तो ये तो हुकमतली है हुई उनकी तरफ से अब ज़ाहिर जब वो शोहर के साथ नहीं थी तो शोहर अब दावा नहीं कर सकता कि उसने उद्दत पूरी की या नहीं की यानी इसकी गवाही ख़त्म हो जाती है दूसरी बात यह है कि इज्जत उसने अलग गुजारी ना तो अब रह जाता मामला किसका यानी अब औरत बताएगी अब अदालत में जो जो ये बातें हुई हैं या जो सुनने के बाद उन्होंने सज़ा सुनाई है तो सबसे पहली बात तो ये कि अदालत को जज कोई को कोई इख्तियार नहीं है कि उसकी जो इद्दत उसने गुजारी या उसके जो तीन पीरियड की होती है इज्जत तो क्या वो उसकी गिनती क्या जज बताएगा कि उसकी गिनती पूरी हुई या नहीं हुई तो ये कलाफ़ कुरान है और बड़ी तकलीफ़ दह बात है ये सुन के मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे क्या हर किसी को अफ़सोस हुआ है जो ज़रा सा भी ईमान अगर किसी के दिल में है तो वो इसको सियासी तौर से हट के सोचे और ये सोचे कि क्या मुसलमान जो है वो कुरान जलाने के ऊपर जो है जो एहत किया था उसमें देवबंदी भी थे बरेलवी भी, भी थे एलदीस भी थे गैर मुखलदीन भी थे यानी हर कलमा को था और उनको इतना बुरा लगा आज कुरान की तोहन जो है अदालत में हुई है और ख़िलाफ़ कुरानों यानी कुरान की नफ़ी की उन्होंने तो आज लोग खामोश हैं अगर खामोश है तो मैं समझता हूँ कि इनके ईमान का ज़रब है बहुत बड़ी और इसके जवाबदेह हैं हम सब अगर इस फैसले को मानते हैं सिर्फ़ सियासी बुनियाद पर इस बुनियाद पर इस बात को मान लेना कि जी जो लोग इमरान ख़ान की जमात को वोट नहीं देना चाहते अगर वो सिर्फ़ इस बुनियाद पर इस बुनियाद पर अगर उसको मतलब रद्द कर रहे हैं तो वह गुनाह के मुरतगब हैं क्योंकि अल्लाह के उनको जवाब देना है और इसी को बेस बना के यानी इस सज़ा को बेस बना के उसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बहर में जो अफसोस होता है ये देख कर कि हम अल्लाह के अहकाम को कितनी आसानी से रद्द कर रहे हैं और हम मतलब यानी ये, ये समझ रहे हैं कि शायद हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो सियासत को बुनियाद बना कर दीन को रद्द ना करें अगर ज़रा सा भी ईमान है तो इस बारे में सोचें वैसे तो मैं अकेला नहीं हूँ ये बात बोलने में कई लोगों ने बात की है और मुझे और बल्कि मुझे बड़ा बड़ी हैरत हुई है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही ये बातें ये बातें पूरी दुनिया में फैली हैं अभी आलिम दीन जो है सऊदिया के उन्होंने जो बयान दिया है वो हमारे मुँह पर एक तमाचा है उन्होंने कहा शरीयत में ऐसी कोई सज़ा नहीं है लेकिन जब अदालती निज़ाम करप्ट हो और सियासतदान की पैरवी की जाए तो आपको सेब का जूस पीने पर भी सज़ा मिल सकती है और वो तो कहते हैं कि इन दोनों ने अपनी रूह शैतान को भेज दी ये उनके अल्फाज थे और हकीकत है कि जब हम खिलाफ कलाफ़ कुरान को अमल कर रहे होते हैं तो हम शैतानी अमल कर रहे होते हैं तो इस बातों पे मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बयान नहीं करना चाहता मैं सिर्फ इतना मुझे क्योंकि ख़ुद भी बड़ा अफ़सोस हुआ सुन के कि जब ये फ़ैसला आया तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ या सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि वो अल्लाह कुरान की तोहन के ऊपर गौर करें